दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि कॉलोनी ब्रीडिंग अच्छी होती है या कि इंडिविजुअल ब्रीडिंग अच्छी होती है, जो कि अलग केज में रखते हैं, सिंगल पेयरिंग करते हैं, और केज ब्रीडिंग जिसको कहते हैं अलग से रखते हैं एक जोड़े को, तो वो अच्छी होती है या कि कॉलोनी ब्रीडिंग अच्छी होती है। तो दोस्तों दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं और अलग अलग नुकसान हैं। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल बजीज पाल रहे हैं तो कॉलोनी ब्रीडिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि नॉर्मल बजीज में सब एक ही नस्ल के होते हैं, अगर कोई सी भी नस्ल निकले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। जहाँ पर कि अगर आप बहुत अच्छे बर्ड्स पाल रहे हैं या कि एग्जीबिशन और किंग बजीज और भी दूसरी जो बजीज है वो अगर साथ में अगर आप पाल रहे हैं महंगी वाली, तो फिर नस्ल ख़राब होने का डर होता है, तो वहाँ पे अलग अलग पेयरिंग करना ठीक होता है। या फिर आपको किसी ख़ास नर का किसी ख़ास मादा के साथ जोड़ा लगाना है, अलग पेयरिंग जो होती है उसमें भी ठीक होती है। और जबकि सभी बर्ड खास हैं और सभी बर्ड आम हैं, तो फिर वहाँ पे जैसे कि मेरे पास सभी आम बर्ड्स हैं, नॉर्मल बजीज हैं, तो वहाँ पे जो है कि कॉलोनी ब्रीडिंग ठीक होती है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहला फ़र्क तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ तो ये होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बर्ड्स जो होते हैं अगर सिंगल केज में रहते हैं, छोटे केज में रहते हैं, तो वो डरते ज़्यादा हैं और अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते हैं। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ कि आपको कैसे डरते हैं बर्ड्स जो होते हैं सिंगल केज में, जो जोड़े होते हैं तो वो किस तरह से डरते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, अब मैं इसमें हाथ डालूंगा तो देखिए कितना डरेंगे, जबकि मैं शायद कटोरी निकालने के लिए हाथ डालूं तो उसके बाद भी ये डरेंगे। देखिए आप, देखिए मैं कटोरियाँ निकालने के लिए हाथ डाला मैंने और कटोरियाँ ही निकाली है मैंने, लेकिन डर कितने रहे बर्ड्स आप देखिए, कितने घबरा रहे हैं और कितने डर रहे हैं। तो ये एक जो होता है तो ये फर्क होता है, और ये तो एक जो होता है तो ये नुकसान होता है मेरी नज़र में कि बर्ड्स जो होते हैं डरते ज़्यादा हैं। देखिए अब मैं पास ही बैठा हुआ हूँ तो बर्ड्स जो है कितने डर रहे हैं, हद से ज़्यादा डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। तो ये एक से जो केज ब्रीडिंग जो होती है एक ये नुकसान होता है, मैं समझता हूँ बर्ड्स जो होते हैं हमेशा डरे हुए रहते हैं, आप उनका दाना पानी करने भी जाएंगे ना तो बर्ड्स जो डरेंगे आपसे, आप पानी बदलने जाएंगे या दाना रखने जाएंगे तो भी बर्ड्स डरेंगे और इधर उधर उड़ेंगे। तो ऐसे दिन में जब बर्ड्स कई बार डरेंगे तो फिर डरते रहेंगे। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉलोनी के बर्ड्स डरते हैं कि नहीं डरते हैं। तो देखिए अब कॉलोनी में देखते हैं कि क्या होता है, और कॉलोनी का दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों अब कॉलोनी का मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन बर्ड्स को आप देखिए कि किस तरह से जो है कि बर्ड्स जो है कि किस तरह से दाना खा रहे हैं, और इनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया है लेकिन बर्ड्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और अगर मैं ये कुछ उठा भी लूँगा तो बर्ड्स जो है उसके बाद भी दाना खाते ही रहेंगे। ये देखिए मैंने पानी उठा लिया उसके बाद भी जो बर्ड्स हैं दाना खाने में मस्त हैं। तो आपने देखा कि बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं दोस्तों, और केज में कैसे डर रहे थे और इधर से उधर उड़ रहे थे डर के मारे, और बुरी तरह से घबरा रहे थे एक केज में जो बर्ड्स थे दोनों एक जोड़ा है जो केज में आपने देखा था। तो देखिए दोस्तों ये पानी को मैं वापस रख देता हूँ, और उसके बाद भी जो बर्ड्स हैं जो इतने नहीं डर रहे हैं जितने के वहाँ पर डर रहे थे। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कॉलोनी ब्रीडिंग और केज ब्रीडिंग का, कि इसमें बर्ड्स जो होते हैं डरते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं इसलिए बिल्कुल नहीं डरते। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बर्ड्स सिंगल केज में डरते हैं। वो जो जोड़ा था वो मेरे घर का ही जोड़ा है, और घर के ही पट्ठे थे वो, अब एडल्ट होते जा रहे हैं लेकिन वो भी कितना डर रहे थे। और दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का एक और फ़ायदा ये होता है कि बर्ड्स कोई भी चीज़ खाना जल्दी सीख जाते हैं। कॉलोनी वाले जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें कोई नई चीज़ भी दो ना तो वो भी जल्दी से खाना सीख जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एक का देखा देखी एक खाना सीख जाते हैं। अगर कोई एक बर्ड खाता है तो उसके देखा देखी और बर्ड्स जो होते हैं वो भी खाने लगते हैं। तो कॉलोनी के जो बर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें खाते हैं, और आप कॉलोनी में कोई भी नई चीज़ ऑफर करते हैं तो बर्ड्स उसे खाने लगते हैं, और एक का देखा देखी एक खाना सीख जाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये होती है कि ब्रीडिंग में भी आसानी होती है। जब बर्ड्स बहुत सारे होते हैं और कॉलोनी में होते हैं तो वो अगर एक दो जोड़े भी ब्रीड करते हैं तो उनकी देखा देखी दूसरे बर्ड भी ब्रीड करने लगते हैं,
तो दोस्तों एक फ़ायदा ये भी होता है और इसमें ब्रीडिंग में आसानी मिलती है, और एक केज में जो एक जोड़ा होता है वो डरा हुआ सहमा हुआ रहता है और वो ब्रीडिंग मुश्किल से करता है और उसे कुछ दिखता ही नहीं है और कोई माहौल नहीं मिलता है। तो ये एक दूसरे की देखा देखी ब्रीडिंग भी करते हैं और एक दूसरे की देखा देखी खाने भी लगते हैं और नई चीज़ों को भी खाने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये एक बड़ा फ़ायदा है कॉलोनी ब्रीडिंग का। और अगर आप कोई महंगे परिंदे पालना है या बजीस पालना है तो फिर उसके लिए अलबत्ता आप अलग अलग रख लें तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन नॉर्मल बजीस पालना है। दोस्तों हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सभी बर्ड्स का एक ही रेट होता है बजीस का, चाहे वो कोई से भी नस्ल की हो, चाहे पाइड हो या स्पेंगल हो या स्प्लिट हो या जो भी हो। और बस फ़र्क इतना होता है कि अगर थोड़ी सी अच्छी है जैसे रेड आई है तो 300 की जगह 350 की बिकेगी, ये होता है हमारे यहाँ। तो दोस्तों फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि अलग अलग पेयरिंग करें। और दोस्तों एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मेरी नज़र में, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि पानी के जो बर्तन होते हैं और दाने के जो बर्तन होते हैं वो आपको कॉलोनी जब ब्रीडिंग करते हैं तो आपको पानी के और जो बर्तन होते हैं वो एक ही केज के धोना होते हैं, एक ही कॉलोनी के धोना होते हैं, ना कि आपको अलग अलग केज के बर्तन धोना होते हैं। तो जब आप अलग अलग केज में ब्रीडिंग कराते हैं तो मान लीजिए आपके 50 जोड़े हैं तो 100 बर्तन तो आपको किसी भी हाल में रोज़ धोना ही है। 100 बर्तन मतलब एक दाने का और एक पानी का दो बर्तन हो जाते हैं, और उसके अलावा फिर आप अलग से कोई चीज़ देते हैं रोज़ तो उसका भी एक होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, और कटोरियाँ धोना और बर्तन धोना कौन धोएगा, इतनी किसके पास टाइम होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। दो चार बर्ड्स पालना है आप, दो चार जोड़े अलग 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 पालना है, सिंगल पेयरिंग करना है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर बहुत सारे बर्ड्स पालना है आपको, 40-50 जोड़े पालना है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों, इतने बर्तन धोना किसके बस का है और कैसे धोएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि कॉलोनी के जो 2-3 बर्तन होते हैं बस वही धोना पड़ता है, और फिर दोस्तों साफ़ फूड रखना है या कोई अलग चीज़ रखना है तो सब हर बार आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि अलग अलग कटोरियों में रखना पड़ेगा। और अगर आपको कोई चीज़ देना है तो नया कोई फूड देना है तो वो भी आपको अलग अलग कटोरियों में रखना पड़ता है, और अलग जैसे सफाई करना है तो वो भी आपको अलग अलग केज की करना पड़ेगी। और अगर दोस्तों नुकसान की बात करें तो नुकसान जो होता है कॉलोनी में वो ये होता है कि बर्ड्स लड़ते हैं, और लड़ते हैं तो उनका एक रेशो होता है, उनका एक लिमिट होती है कि इतने अगर लड़ रहे हैं और इतने मर रहे हैं तो वो कोई बात नहीं होती है, वो कॉलोनी ब्रीडिंग का एक हिस्सा होता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। जब आपके पास 150 बर्ड हैं तो फिर उसमें अगर एक दो मर जाते हैं या लड़ लेते हैं तो वो कोई बात नहीं होती है, और उनका भी ख्याल रखें तो उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे कि एक वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो दोस्तों ये कॉलोनी ब्रीडिंग का हिस्सा है, लड़ाई झगड़े और मारपीट और ये सब चलता रहता है, और अंडे किसी ने किसी के फोड़ दिए, किसी ने किसी को मार दिया, तो ये एक लिमिट में होता रहा, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और दूसरा ये दोस्तों के बर्ड्स जो होते हैं कॉलोनी में अच्छे लगते हैं, जब वो झुंड में रहते हैं साथ रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, वैसे भी इनका जो नेचर है तो ये बर्ड्स जो हैं खासतौर से बजीस जो हैं ये झुंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया में ये एक एक दो दो लाख के झुंड में होते हैं, जब ये ऊपर उड़ते हैं तो आसमान काला हो जाता है। तो ये सोशल बर्ड्स हैं और साथ रहने वाले ग्रुप में रहने वाले बर्ड्स हैं, तो इनको इसी तरह से रखा जाए तो ये अच्छे भी लगते हैं और ये अच्छी तरह से ब्रीड भी करते हैं और अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, इनको कंपनी मिलती है एक दूसरे की। तो दोस्तों इस तरह से मेरी नज़र में तो कॉलोनी ब्रीडिंग अच्छी है, ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स के लिए, और जितना ये कॉलोनी में रहेंगे उतना फलते फूलते ज़्यादा हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं, मेरा ऐसा नज़रिया है। तो आप देख रहे हैं कि अब मैं कितनी करीब बैठ के वीडियो बना रहा हूँ मैं, और उसके बाद भी आप देखिए कि बर्ड्स जो हैं कितने अच्छे से दाना खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉलोनी में बर्ड्स को देखते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, आप ये देखिए कि कॉलोनी में जो बर्ड्स होते हैं तो उनकी बात ही अलग होती है, और सब बर्ड्स जब इकट्ठा होते हैं और रंग बिरंगे जो बर्ड्स होते हैं इकट्ठा होंगे तो फिर उनकी बात ही अलग होती है। और ये देखिए दोस्तों और बर्ड्स को देखिए, और ये नर जो है ये फीड करा रहा है मादा को, तो बर्ड्स जो हैं इधर से उधर उड़ रहे हैं, खुश हैं, और एक दूसरे के साथ बर्ड्स खुश ही रहते हैं, उन्हें कंपनी मिलती है, और जब बहुत सारे बर्ड्स साथ रहते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। तो दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का बस एक ही नुकसान है मेरी नज़र में, वो ये है कि नस्ल ख़राब हो जाती है। नस्ल भी किसकी ख़राब होती है, जो कि अलग अलग तरह के बर्ड्स अगर आप रखते हैं, अलग अलग तरह के जोड़े एक ही जगह कॉलोनी में रखते हैं तो नस्ल ख़राब हो जाती है, वो एक दूसरे से मिलके नस्ल ख़राब हो जाती है। बहरहाल अगर आप आम बर्ड्स रख रहे हैं या ख़ास बर्ड्स रख रहे हैं तो एक ही ज़ात के रख रहे हैं और एक ही तरह के रख रहे हैं, चाहे वो ख़ास हों या आम हों, तो फिर नस्ल ख़राब होने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे कि नॉर्मल बजीज रख रहा है तो ये सब एक ही जैसे हैं,
तो बस एक ही नुकसान है मेरी नज़र में कॉलोनी ब्रीडिंग का, वो भी उनके लिए जो कि अलग अलग बर्ड्स रख रहे हैं, बाकी और कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आता है जो कि अलग 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 पेयरिंग करते हैं। ब्रीडिंग जो है उससे अच्छी होती है यहाँ पे कॉलोनी में मेरी नज़र में। तो दोस्तों ब्रीडिंग से लेके खाने पीने से लेके और हर बात में जो है कि साफ़ सफाई से लेके और दाना पानी करने से लेके कॉलोनी ब्रीडिंग जो है मेरी नज़र में बड़ी अच्छी होती है और मुझे बड़ी पसंद है कॉलोनी ब्रीडिंग। अब इजाज़त दीजिए, जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके नोटिफिकेशन पर आ जाए करे। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए।